हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सेटल हो, आप लोग इतना लेट क्यों आते हो क्लास में? जल्दी बैठो। गुड। हेलो, ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? चैट बॉक्स पर रिप्लाई करिए। साक्षी, संचिता, हर्ष, आपको देखिए चैट बॉक्स दिख रहा होगा, वहां पर रिप्लाई करिए। बाकी बच्चे जल्दी सेटल डाउन हो, जल्दी जल्दी बैठो। पानी आप लोग बाद में भरते रहना, बैठ जाओ क्लास में। राइट, देखो आप सब लोग जो हो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? और आप सबको क्या बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है या किसी को एसआई और नायब तहसीलदार भी बनना है? गुड मॉर्निंग संचिता, गुड मॉर्निंग। सबको बेसिक्स पता है, एमपीपीएससी में तीन स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिविटी देखा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको। आपने पेपर देखा था अभी 19th को जो आया था, तो आपको चार ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपका फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा काम आता है। बट जब आप मेंस में जाओगे तो मेंस में आपको लिखना पड़ता है, हर चीज के आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कॉलेज या स्कूल में आप टेस्ट लिखते थे, उस तरीके से आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक? तो अब हम एक एक करके देखेंगे। हम जब भी तैयारी शुरू करेंगे तो हमें प्री और मेंस की तैयारी साथ में शुरू करनी है। वो काम कभी नहीं करना है आपको कि पहले मैं प्रीलिम्स पढ़ लेता हूँ फिर मैं मेंस पढ़ूंगा, क्योंकि जो भी बच्चे ये काम करते हैं कि पहले प्रीलिम्स फिर मेंस पढ़ेंगे, वो प्रीलिम्स में कभी भी ज्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं। ये दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि प्रीलिम्स में आप सिर्फ फैक्चुअल चीज पढ़ते हो, और प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो बच्चे वहां अपना ब्रेन यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक? एट द सेम टाइम दूसरी चीजें क्या हो जाती है, जब आप मेंस का सिलेबस पढ़ते हो तो मेंस का सिलेबस जो है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है। मेंस का सिलेबस इतना सारा है, अब उसमें प्रीलिम्स यहाँ पे है, ठीक है? तो ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस हो गया, ये आपका मेंस का हो गया। तो अगर आपको ये चीज अच्छे से आती है मेंस की, तो आप प्रिलिम्स को बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे मेंस पहले पढ़ चुके होते हैं उनके हमेशा 5 से 6 क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा होंगे किनसे, जिन्होंने सिर्फ प्रिलिमरी एग्जाम की प्रिपरेशन करी हुई होगी, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ठीक, अभी हमें दो चीजों का और ध्यान रखना है। जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे हमें शुरू से ही आंसर राइटिंग या एमसीक्यू सॉल्व करना, ये दोनों काम साथ में करते जाना है, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है आने वाले टाइम में, और आपको मेंस के लिए कितना टाइम देते हैं, वो मुश्किल से 2 से 3 महीने मिलेंगे। तो 2 से 3 महीने में इतना सारा आप नहीं पढ़ सकते, तो आप हमेशा क्या करोगे, तो आप लोगों ने आपके भैया दीदी लोगों को देखा होगा जो बार बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और मेंस में फेल हो जाते हैं। उसका तो कारण ये है कि क्योंकि वो मेंस पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखते। तो हमें दोनों साथ में लेके चलना है, प्री और मेंस, ठीक है? देखो जो आईएएस ऑफिसर होता है वो डायरेक्ट रिक्रूट होता है। आप जल्दी एज में चले जाओगे 21-22 साल की एज में, तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो आने वाले टाइम में, प्रमोट करके आपको डिप्टी कलेक्टर से सीधे कलेक्टर की रैंक में पहुंचा देंगे। जैसे इंदौर के जो कलेक्टर हैं श्री मनीष सिंह जी, तो वो जो थे वो स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर हैं, ठीक है? तो आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन करवाना है। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वहां हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली क्लास में बात कर सकते हैं मुझसे, या फिर जहां पे जो आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे सामने, आप उनसे भी बात कर सकते हो, ठीक? तो आज हम क्या शुरू करेंगे, हम बहुत बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं। हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी, ठीक? आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है। अब देखिए आप, कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसका मीनिंग क्या होता है और वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, और उससे रिलेटेड डेट्स याद करनी है, ठीक? अब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चलिए कोई बताइए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन एक, गुड मॉर्निंग अनामिका, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बुक है जिसमें सारे नियम लिखे हुए हैं। आप इस तरीके से बेसिक तरीके से इसको समझिए, ठीक? अब कोई भी जो बुक होती है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब किसी भी बुक में क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, ध्यान से देखिएगा, किसी बुक में एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स में क्या लिखा होता है, पार्ट
फिर इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना, चैप्टर्स फिर या फिर आर्टिकल्स, वो अलग अलग इसके अंदर होंगे। तो पार्ट वन उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, फिर पार्ट टू, तो जैसे पार्ट वन मान लीजिए इज रिलेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर फिर अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे, प्रेसिडेंट का आर्टिकल आएगा, प्राइम मिनिस्टर का आएगा, इस तरीके से इंडेक्स बुक में दिया होता है, वही सेम इंडेक्स उसी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जानने से पहले हम पहले क्या देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ आप लोग। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रूल बुक नहीं होती, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक। अब यहां पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल और सुप्रीम। फंडामेंटल से मतलब कि वो नेसेसरी है, बेसिक है, ठीक है, और सुप्रीम मतलब कि वो सबसे बड़ा है। अगर कोई भी चीज सबसे बड़ी है, कोई भी लॉ सबसे बड़ा है, तो बाकी लॉ क्या होंगे उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी लॉ बनेंगे, जो भी रूल्स आप बनाएंगे, या कोई कलेक्टर रेगुलेशन निकाल देता है, जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा होगा बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर देते थे कलेक्टर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, तो वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब पढ़िए फिर से डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल और सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का, कंट्री का सुप्रीम लॉ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बाकी के सारे लॉज उसके अंडर में आएंगे। तो कोई भी आप ऐसा नियम नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स आपके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के प्रोविजंस को वायलेट करता हो, वायलेट करता हो मतलब उनके अगेंस्ट जाता हो। जैसे अभी हम अगर कोई लॉ निकाल दें या गवर्नमेंट ये लॉ लेके आ जाए कि लड़कियां जो हैं वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो ये राइट जो है आपका हैम्पर कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते शाम को 6 बजे के बाद। तो अगर आपका ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ये मेरा राइट है कि मैं शाम को 6 बजे के बाद भी घूम सकती हूँ, तो गवर्नमेंट ये कैसे लॉ ला सकती है कि आप 6 बजे के बाद जो फीमेल है वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक। तो इस टाइप के लॉज जो भी होंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को आपके वॉयलेट कर रहे हैं या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो खारिज कर दिया जाएगा, ठीक। तो बेसिक हमने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके आगे लिखिए, एंड ऑल द अदर लॉज, ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, वही लिखा इंग्लिश में, एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, और बाकी के जो भी लॉज हैं वो उसके कन्फर्मिटी में होने चाहिए, ठीक। जो भी सारे लॉज हैं वो कन्फर्मिटी में होनी चाहिए, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अब अगर प्री हो या मेंस हो, जैसे मेंस में क्वेश्चन आ गया आपको 3 मार्कर में कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिखोगे, अगर डेफिनेशन पूछा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगी अदर लॉज क्या होता है, ठीक, मैंने अभी समझाया था अदर लॉज, सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अदर लॉज से मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कोई नया नियम कानून लेके आ गई, या कलेक्टर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, या कोई कोविड के टाइम में जैसे आ जाता था कि भाई रात को 10 बजे आप शॉप बंद कर दोगे, तो इस तरीके की जो चीजें हैं रूल्स रेगुलेशंस हो गए, या कभी प्रेसिडेंट अपना कुछ ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, तो वो सारे किस में आएंगे, अदर लॉज। और बट वो सारे लॉज जो हैं वो कन्फर्मिटी में होना चाहिए, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप जो भी लॉ बनाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो वायलेट नहीं करना
क्लियर है? अब मेरे साथ एक बार आप बताओ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट। ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपको याद कर लेनी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बाद आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे। स्ट्रक्चर से मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जैसे इंडेक्स होता है। अब इतने सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इतने सारे नियम कानून के बारे में हमने लिखा हुआ है, तो उसको हम सिर्फ ऐसे हैंडराइटिंग तो नहीं लिख सकते बहुत सारे पैराग्राफ फॉर्म में। उसको हम कैटेगरीली डिवाइड करेंगे, जैसे बुक को डिवाइड करते हैं। बुक को हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं या यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? जैसे बुक्स आप देखते हो, बुक्स के इंडेक्स देखते हो, वो डिविजन में रहते हैं, उसी हिसाब से अंदर लिखा होता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। सेम उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बुक है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखो आप यहां ध्यान से देखो, पार्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स आपने सुना होगा, अंडर आर्टिकल 19 द फंडामेंटल लॉ हैज बीन वायलेटेड। ठीक, तो हम जब ये वर्ड यूज करते कि अंडर आर्टिकल दिस, तो वो कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो आर्टिकल। ठीक है, उसके पहले पार्ट्स आते हैं। तो पार्ट वन, एक पार्ट वन दिया हुआ है, सपोज समझो उसको चैप्टर वन, पार्ट वन दिया है। उसके अंदर क्या दिया है? आर्टिकल वन से फोर के अंदर जो जो लिखा हुआ है हमने वो वहां पे दिया हुआ है। फिर अपनी बुक में नेक्स्ट पे उस पे आओगे तो यहाँ पे पार्ट टू दिया है। तो पार्ट टू में हमने किस किस आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है? 5 to 11। क्लियर है? तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी कि पार्ट वन टू, ऐसे पार्ट थ्री भी आएगा बेटा आपका। पार्ट थ्री में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक लिखा हुआ है। अब ये जो पार्ट थ्री है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि पार्ट थ्री में क्या लिखा, क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके दिए हुए हैं। तो हम जो बोलते हैं ना, हमारे फंडामेंटल राइट है बोलना या घूमना या अपने तरीके से किसी भी रिलीजन को प्रीच करना, तो वो कहां पे दिया हुआ है? गुड प्रदीप, देर आर टोटल 25 पार्ट्स तो बेटा अभी हैं। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा प्रीलिम्स में कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो वो भी याद रखना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले आप बेसिक को समझो बस। पार्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग, उनके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स को ऐसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पार्ट वन उसके अंदर आर्टिकल वन से फोर तक की डिटेल है, पार्ट टू 5 to 11 आर्टिकल तक सिटीजनशिप दिया हुआ है। अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये सब अभी आएगा। अभी तो मैं सिर्फ मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, मैं अभी खुद आपको लिखवा दूंगा ये। राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? साक्षी, संचिता, हर्ष, अनामिका, प्रदीप, दीप्ति, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताइए मुझे जल्दी से। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो लास्ट पार्ट आपका आएगा 25th। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को, और हर पार्ट के अंदर कुछ कुछ ग्रुप्स में हमने आर्टिकल्स रख दिए हैं। तो अगर इसको बुक के तरीके से आप विजुअलाइज करोगे, तो बुक का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में क्या दिया हुआ है आपको? फ्रंट पेज में ऐसे लिखा है, समझो ये इंडेक्स है, पार्ट वन आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये हो गया। फिर आ जाएगा आपका पार्ट टू आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ऐसे 11 तक। तो इस तरीके से ही दिया हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में आता है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपने देखिए यहां पे आपको तीन चीज दिखेगी। Structure of Indian Constitution consists of articles, parts. Articles और parts मैंने आपको बता दिए, parts हैं और articles हैं। अब इसके अलावा, क्योंकि already हमारे original constitution में जब हमने constitution बनाया था, तो 395 के ऊपर articles आ गए थे। तो अब इतना बल्कि constitution already हो चुका था, तो अब हम और चीज अगर लिखते कि under article this, under article that, तो वो बहुत बड़ा हो जाता। हाँ, टोटल आर्टिकल 395 ओरिजिनली थे, तो बहुत मोटी बुक हो जाती। तो अब हमने क्या किया, बची हुई चीजों को हमने शेड्यूल्स में डाल दिया। ठीक है, ये लिखा है देखिए, शेड्यूल्स। ठीक, तो बचा हुआ कहाँ चले गया?
शेड्यूल्स में। शेड्यूल्स क्या होता है? वो प्रोविजंस जिसको हम आर्टिकल्स में नहीं लिख पाए उनको हमने टेबल के फॉर्म में दे दिया। अब आप ध्यान देखो, आप जब नोट्स बनाते हो जो चीज आप पैराग्राफ में लिखते हो उसमें ज्यादा पेजेस लगते हैं और ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है? तो अब उसको कम बल्कि करने के लिए नोट्स को आप क्या करते हो, टेबल फॉर्म में बना लेते हो। तो सेम इन्होंने यहां पे भी कर, कैसे देखो ऐसे होता है, शेड्यूल 1, 2, 3 ऐसे अप टू 12 है। अब हर किसी चीज में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, ठीक है? ये टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में यहां लिखा है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में दिया हुआ है सैलरीज और एमोल्यूशन क्या रहेगा या फिर ओथ, सब इस तरीके से सारी चीजें दी हुई हैं कि प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, मिनिस्टर्स की ओथ के बारे में यही लिखा हुआ है। तो एक टेबल बना के सिर्फ इतना दे दिया है कि शेड्यूल 2 विल डील विद सो एंड सो थिंग, 3 विल डील विद दीज थिंग्स। तो इस तरीके से सारे इन्होंने शेड्यूल्स दिए हुए हैं। इस शेड्यूल में सारे शेड्यूल इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे के सारे 12 शेड्यूल्स याद करने होंगे जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। क्लियर है यहां तक? तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आएगा, आर्टिकल्स, पार्ट्स और बचे हुए जो भी चीजें अपेंडिसेस, जो बुक के पीछे नहीं दिया होता है, चैप्टर के पीछे बची हुई चीजें लिख देते हैं। वेरी गुड हर्ष, 12 शेड्यूल्स आर देयर एट दिस टाइम। ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे अभी मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर में क्या क्या है, पार्ट्स है, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स है, बचा हुआ शेड्यूल में चले गया, ये क्लियर है? अब कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, तो यहाँ पे भी अब क्या बात आपको ध्यान में रखनी कि ओरिजिनली कितने थे और अभी कितने हैं। तो आप क्या बनाओगे, आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल, ठीक? ये देखिए या करंट में आर्टिकल्स ओरिजिनली कितने थे, 395। तो ये याद रखना कि हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन अवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स थे, ये आ सकता है एग्जाम में। तो आर्टिकल कितने थे, 395, पार्ट्स कितने थे, 22 और शेड्यूल कितने थे, 8। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, अभी कितने हैं, ये भी आपको याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? पहले कितने थे और अभी कितने हैं। तो आर्टिकल पहले 397 थे, अभी तो 470 के आसपास है, तो ये बार बार चेंज होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहां तक? कितने आर्टिकल्स थे जल्दी बताइए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने आर्टिकल्स थे? हर्ष, अनामिका, संचिता, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 395 आर्टिकल्स, गुड गुड अंबुज, वेरी गुड, ठीक है? तो ओरिजिनली 395, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है। फिर पार्ट्स कितने थे, 22, तो ये भी याद करना है, टोटल पार्ट्स 22 डिवाइडेड इनटू 395 आर्टिकल्स, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था, 22 पार्ट्स। शेड्यूल कितने थे, 8, तो ये तीन चीज याद रखनी, 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, ये तो हो गया जैसे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था उस टाइम की बात। अब प्रेजेंटली आज की डेट में कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स बढ़ गए, हो गए 25 और शेड्यूल हो गए 12। ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे पार्ट, सारे शेड्यूल्स और मैक्सिमम आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 470 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने होते, ठीक है? इस एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप इधर उधर से ढूंढ के खुद से नहीं पढ़ सकते, बट आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी चीज हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि इतना सारा है, देयर इज ओशन ऑफ नॉलेज, इतना कुछ है, आप हर चीज याद नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है और सही पढ़ना है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली, वेरी गुड अनामिका। प्रेजेंटली 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, तो हमको हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो चार शेड्यूल और जोड़े गए हैं वो कौन से हैं, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे,
राइट। तो ये सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ हम एक बेसिक आउटलाइन ले रहे हैं सब्जेक्ट की। ठीक, क्लियर है यहां तक? देखिए अब इसको ध्यान से पढ़िए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स एंड अपेंडिसेस। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19, 1D, 1B, ये इस तरीके से लिखे होते हैं ना, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत कॉमन, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, किसी ने देखी आर्टिकल 15 मूवी? राइट, तो वो आर्टिकल क्या है? ठीक है, अभी वही हम देख रहे हैं कि वो आर्टिकल है क्या। इट हैज नंबर्ड एंड फर्दर एक्सपेंडेड इट्स प्रोविजन एज क्लॉज एंड सब क्लॉज, ये क्लॉज एंड सब क्लॉज। ठीक, इस तरीके से आर्टिकल को लिखा जाता है। करेंटली देयर आर अराउंड, ये 470 होगा के भी ऊपर हो गए आर्टिकल्स, बट ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स। तो ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395। ठीक, आप ये चार्ट के रूप में बना लो इसको, आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स। ओरिजिनली 395, 228, नाउ 470 प्लस 25 एंड 12, इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक है, नोट्स जितने कंपाइल और शॉर्ट तरीके से आप बनाओगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि एंड मोमेंट में आप नहीं पढ़ पाओगे सारी चीजें। राइट, ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कितने हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर टोटल। द इंडिविजुअल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू पार्ट्स, ये भी हमने पढ़े, सारे आर्टिकल्स को ग्रुप करके अलग अलग पार्ट में रख दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 25 पार्ट्स करेंटली, बट ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स। ओरिजिनली कितने थे? 22, नाउ 25। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर द लिस्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैटेगराइजेस एंड टेबुलेट, देखिए लिखा है टेबुलेट, मतलब टेबल के फॉर्म में, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, उसको हमने टेबल के फॉर्म में दिया है। उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बल्की हो गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हर चीज हमने वहां पे लिखी हुई है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा कम बल्कि करना चाहिए, ठीक, कमेंट और डिस्कस। तो आप उस पर लिखोगे कि हमें नहीं करना चाहिए या कर देना चाहिए। अगर नहीं करना है तो उसके रीजंस बताओगे, क्योंकि हर एक प्रोविजन वहां पे दिया हुआ होना चाहिए ताकि कल को कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो तो आप चैलेंज कर सके कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये ब्रीच हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। करंटली कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स, बट ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल। ठीक है, हम हर क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एट द सेम टाइम मेंस के डेली आंसर राइटिंग भी हम साथ में करते जाएंगे। तो कोई भी चीज है बहुत ध्यान से समझ के चलो। ये तो हम बेसिक अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं हमारे। ठीक है, हमने जो ऑप्ट किए हुए हैं, फ्लैग, राइट, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, नेशनल वेजिटेबल, कभी सुना है नेशनल वेजिटेबल? इंडिया का नेशनल वेजिटेबल क्या है? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट बताएंगे, घर में बैठे हैं मम्मी पापा के साथ, बताओ मम्मी से पूछ के बताओ कि नेशनल वेजिटेबल क्या है। हर्ष, अनामिका, संचिता, साक्षी, प्रदीप, नेशनल वेजिटेबल किसी को ध्यान है, किसी को पता है? अब यही एग्जाम में आ जाएगा। आप नेशनल बर्ड याद करते हो, आप नेशनल एनिमल याद करते हो, ये सब बचपन में सबका पढ़ा हुआ है, बट क्वेश्चन आ गया नेशनल वेजिटेबल क्या है। तो नेशनल वेजिटेबल है पम्पकिन। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एड ऑन करते रहना है अपने नोट्स में। ठीक, बट उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग। वेरी गुड अनामिका। ठीक, नेशनल फ्लैग देखो, नेशनल फ्लैग जो है हमारा वो ट्राई कलर है, सैफ्रन दैट इज केसरिया, वाइट, ग्रीन और बीच में ब्लू कलर से। कितने स्पोक्स हैं इसमें चक्र में? कितने स्पोक्स हैं चक्र में बताइए प्रदीप? ट्वेंटी फोर, गुड। ठीक है, देखो द नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफ्रॉन दैट इज केसरिया एट द टॉप। अब ये तो इजी चीजें हैं, ये सबको पता होती है कि केसरिया एट द टॉप,
व्हाइट इन द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रपोर्शन। अब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को चेंज कर देंगे, इस स्टेटमेंट को, कि वो इक्वल प्रपोर्शन में नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस होता है, बस वो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। दैट ट्राई कलर्स इन अवर फ्लैग आर नॉट इन इक्वल प्रपोर्शन, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वल प्रपोर्शन में है। तो ये चीजें आपको माइन्यूट चीजें ध्यान रखनी। तो इस बार एग्जाम हुआ, बच्चों के आंसर, मतलब बच्चों ने अपने आंसर्स मिलाए प्रीलिम्स के, तो बहुत सी जगह उनको लग रहा था कि उनका आंसर सही है, बट बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है जिसके कारण वो बेचारे पीछे हो जाते हैं। तो कोई चार पांच क्वेश्चन से पीछे है, कोई तीन चार क्वेश्चन से पीछे है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जो की वर्ड्स हैं वो हमेशा नोट्स में अंडरलाइन करना है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन एक ये आ चुका है पहले एग्जाम में, द रेशियो ऑफ विड्थ टू द फ्लैग, विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ विड्थ। तो विड्थ क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिस इज विड्थ, ठीक है। द रेशियो ऑफ विड्थ टू फ्लैग इज 2:3, ये है आपका 3, ये क्या है, ये आपकी लेंथ है, दिस इज लेंथ, ये ध्यान रखना, नोट्स में आप बना लो, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। तो विड्थ कितनी है 2 और लेंथ कितना है 3, तो 2:3। अब क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं, बहुत ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ, बहुत ध्यान से बेटा, हाँ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इंडियन फ्लैग इज टू विड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग इज व्हाट, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बोर्ड में नहीं देखना बेटा, लेंथ और विड्थ का रेशो क्या है। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी बताएं, हर्ष, साक्षी, संचिता, गुड, ठीक है। क्यों आप बता पा रहे हो ये सही, शुभम 3:2, वेरी गुड। ये क्यों आप आंसर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने ध्यान से सुना था कि मैंने बोला क्या है। कुछ बच्चे जो ध्यान से नहीं सुनते हैं उनको सिर्फ हमेशा 2:3 याद रहेगा, वो ये ध्यान नहीं देंगे कि मैंने चेंज कर दिया, मैंने आपसे पूछा लेंथ इज टू विड्थ, इसलिए आंसर चेंज होके क्या हो जाएगा 3:2। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम में इसको लगा के आ जाएंगे 2:3 और फिर बोलेंगे सर मेरा 2 नंबर से रह गया, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो एक बहुत बेसिक चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, आप लोग अभी बहुत अर्ली स्टेज में हो अपने लाइफ के, हम लोग ये सारी चीजें अपनी लाइफ में देख चुके हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं अलग अलग, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो निमिष सर हो, चाहे डॉक्टर रश्मि हो, डॉक्टर रश्मि ने भी पीएमटी क्लियर किया है, निमिष सर ने आईआईटी क्लियर किया है, मैंने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कब क्लियर किए हुए हैं। तो आप लोग एक बात को बेटा हमेशा ध्यान रखो, कभी भी तैयारी जो है एकदम से कुछ दिनों में नहीं होती है, उसके लिए आपको ये चीज मेरी ध्यान रखो आप, बस जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग जो हो पिरामिड में अभी यहां खड़े हो, ये क्या है पिरामिड है, दिख रहा है ये पिरामिड इसी तरीके से होता है, राइट बेटा। आप लोग किसी स्टेज में हो अभी, आप लोग क्या कर रहे हो आज की डेट में, नॉलेज एक्यूमुलेशन और गेन, आप अभी नॉलेज गेन कर रहे हो। सबसे पहले आपको यही करना है कि नॉलेज गेन करना है, जितना ज्यादा नॉलेज ले सको हॉरिजॉन्टली उसको गैदर करो। नॉलेज गेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी नॉलेज कंसोलिडेशन। अब नॉलेज कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, अब मैंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, मुझे हल्की हल्की याद है, बट वो हल्का हल्का जो याद रहता है आप लोगों को वो आपके कोई काम नहीं आएगा, ना तो आप प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ना ही आप मेंस में उसका कुछ आंसर लिख पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, नॉलेज को कंसोलिडेट करना है, मतलब आपके यहाँ दिमाग में वो चीज बिल्कुल रहनी चाहिए। आपसे किसी ने भी पूछा कि इंडियन फ्लैग का रेशो क्या होता है, तो आप उसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लो कि भाई आप विड्थ इज टू लेंथ बोल रहे हो, लेंथ इज टू विड्थ बोल रहे हो, ठीक, उसके हिसाब से आंसर आप दे दो। तो वो आपके दिमाग में इतना कुछ रहना चाहिए कि हाँ मुझे सारी चीजें पता है। तो वो जैसे भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट, तो वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पार्ट्स है, पार्ट के अंदर आर्टिकल्स है, पार्ट वन आर्टिकल 1-4 तक, पार्ट टू आर्टिकल 5-11 तक, एंड सो ऑन।
वो आपके दिमाग में जब बैठा रहेगा तो उसको बोलते हैं नॉलेज कंसोलिडेशन। अब आपने पढ़ भी लिया बहुत सारा, नॉलेज को कंसोलिडेट भी कर लिया, उसके बाद आओगे आप, ये नॉलेज को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, एक्सप्रेसिंग ऑन पेपर। तो पेपर में कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई। आपको आता है, आपके दिमाग में है, बट एग्जामिनर से आप वन टू वन तो मिल नहीं रहे हो मेंस के टाइम में या पीटी के टाइम में, आपको एक्सप्रेस करना है पेपर में, तो वो आपको आना चाहिए, वो भी आप धीरे धीरे सीख लोगे डेली आंसर राइटिंग कर करके। बट अब यहाँ पे कैच ये आता है, आपने नॉलेज गेन कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, पेपर में लिखना भी आ गया, बट पेपर में लिखते टाइम अगर आप टाइम पे नहीं लिख पाओगे तो वो नॉलेज कोई काम का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन ऑन पेपर ऑन टाइम, ठीक है? तो यहां पे टाइम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये एक एक करके स्टेप में आप आगे बढ़ोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो कभी भी पैनिक नहीं करना है अगर आपको थोड़ा कम आता है या दूसरों को आपसे ज्यादा आता है। फिर लास्ट में जाके एड ऑन्स होते हैं, ठीक है? एड ऑन्स में क्या क्या आएगा, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम इंसर्ट करना क्वेश्चन में, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। तो कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी में रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये क्लियर है, ये अपनी लाइफ में हर जगह अप्लाई करो कि कभी भी बहुत हड़बड़ी नहीं मचाना है, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ आगे, क्योंकि कई बच्चे क्या है डायरेक्टली यहाँ कूद जाएंगे, मैं डे वन से ही आंसर लिखना चालू कर देता हूँ। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कहाँ से कोई पेपर निकाल लोगे, ना प्रीलिम्स निकलेगा ना आपका मेंस क्वालिफाई होगा, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक? चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन सिंपल आता है कभी कभी और कभी कभी ट्रिकी आता है, कि पहली बार नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था, ठीक है? ये आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिया, प्रिया आप लेट हो बेटा क्लास में आज, देखो सेंटर में क्या है, नेवी ब्लू कलर का एक चक्रा है, ठीक? इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू, तो ये नेवी ब्लू कलर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर, हाउ मेनी कलर्स वी यूज अवर इन अवर फ्लैग, तो आंसर क्या होगा बताइए, कितने कलर हम फ्लैग में यूज करते हैं? अब यहीं पे आप फंस जाओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रिप्लाई, ऑनलाइन बच्चे बताएं, अगर आप बोल के कुछ बात करना चाहते हैं क्लास में तो वहां पे हैंड है उसको रेज करिए, मैं आपको अलाउ करूंगा, आप जो भी बोलेंगे सारी क्लास को सुनाई देगा। प्रिया, अच्छा साक्षी बोल रही है फोर कलर्स, अनामिका बोल रही है थ्री कलर्स। क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स वी यूज इन अवर फ्लैग, ठीक है? कितने कलर हम यूज करते हैं? अब देखिए, अब बोलने को तो ट्राई कलर है, ठीक है, बट आंसर आपको क्या देना है एग्जाम के हिसाब से, कितने कलर यूज हुए, ऑरेंज या फिर सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, कितना हो गया है, चार, ठीक है? वेरी गुड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट, वेरी गुड प्रदीप, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलो अब आगे आ जाओ आप, स्पोक्स कितने हैं टोटल, 24, ठीक है? वो जो फ्लैग के बीच में जो चक्र है यहाँ पे कितने हैं स्पोक्स, 24, ये भी याद रखना है, ठीक? अब ये है कि हमने लिया कहाँ से है, ये जो चक्र लिया है ये कहां से लिया है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, इट्स डिजाइन इन दैट ऑफ अ व्हील, इसमें एक व्हील बना हुआ है, विच अपियर्स ऑन द एबेकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल। अब देखो यहां पे ध्यान से, एबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ में जो कि वाराणसी के पास है यूपी में, वहां पे अशोका का एक कैपिटल है, ठीक? जो आप देखते हो सिक्के के ऊपर बना होता है, यहाँ पे तीन शेर बने होते हैं, एक दिख नहीं रहा होता तो वो पीछे होता है, के बीच में यहाँ पे क्या है, ये चक्र बना हुआ है, तो एबेकस क्या होता है, ये एबेकस कहलाता है, ठीक? अभी आपके पास किसी के पास क्वाइन हो बच्चों के पास, तो देखो निकाल के अपने क्वाइन में, 1 रुपी क्वाइन या 2 रुपी क्वाइन कुछ भी होगा उसमें ये बना होगा, या मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये है, तो दिस इज कॉल्ड एबेकस, ठीक?
इस एबेकस में ये व्हील बना हुआ है, देख रहे हो आप, यही व्हील चक्र हमने अपने फ्लैग में लिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमने कहां से लिया है, ठीक है? तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका फ्रॉम सारनाथ, ठीक। तो लायन कैपिटल कहां पे? सारनाथ में है, ठीक। बनाया किसने? अशोका ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी, तो हर चीज ऐसे इंटर रिलेटेड करती है। ये हम कब पढ़ेंगे? अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे नेशनल एम्बलम के बारे में, कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, ठीक है? चलो बैक टू अवर नेशनल फ्लैग। अब ये जो नेशनल फ्लैग है ये किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु हैज डिजाइन दिस नेशनल फ्लैग। तो वो डिजाइन किसने किया था नेशनल फ्लैग? पिंगाली वेंकैया, ठीक। तो नहीं, ये नाम आपको याद रखना है, पिंगाली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है, ठीक है? अभी देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक आने वाली है। द नेशनल फ्लैग दैट इज अवर तिरंगा इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग। ये किस पे बेस्ड है? स्वराज फ्लैग पे। अ फ्लैग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी? ये जो अभी कांग्रेस पार्टी है उसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था जब ये हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अ फ्लैग द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। तो ये नाम आपको याद रखना है, पिंगाली वेंकैया इज द पर्सन हु हैज डिजाइंड अवर नेशनल फ्लैग, ठीक है? अब नेशनल फ्लैग इन्होंने डिजाइन किया, उसके बाद द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड, टर्म देखो, एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब एडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 में। अब यहां पे दो चीजें आप लोग को नहीं दिख रही होगी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये डिजाइन नेशनल फ्लैग की अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब? 22 जुलाई 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सिलेबस में प्री में और मेंस में क्लियर कटली लिखा हुआ है, और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा या पेपर देखा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? हम फ्रीडम मिली, फ्रीडम मिली तो फ्रीडम के बाद कुछ रेगुलेशन चाहिए, राइट? कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिसके हिसाब से हम कानून बनेंगे। तो आपको क्या करना है? अब ऐसे तो रैंडमली नहीं कर सकते आप कि हाँ भाई देश आजाद हो गया चलो, तो कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे, नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं। वो रूल्स रेगुलेशन किस हिसाब से चलेंगे? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने जो ग्रुप बनाया, ठीक है, कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड लोगों का एक ग्रुप बनाया, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते थे हम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये अभी अलग से नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा सिलेबस में, जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि चेयरपर्सन कौन था पहला, नॉमिनेटेड पर्सन कौन था, ये सारी चीज एग्जाम में आ चुकी है पहले। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें काफी सारे, और वो लोग मिलके क्या बना रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन। उनको एक काम दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, तो उन्होंने क्या किया जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे? तो उन्होंने फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। अभी तक हमने क्या क्या फैक्ट याद किए हैं ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर में ओरिजिनली कितना था, अभी कितना है, ये याद कर लिया। उसके बाद हमने नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स यूज होते हैं, ये तो चार कलर यूज होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर है, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन। अब आ जाओ देखो बहुत ध्यान से, वन ऑफ द कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो फिर से आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यहाँ क्या लिखा है? वन ऑफ द कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमिटी थी जो फ्लैग को लेके काम कर रही थी। अब देखो हमने एक ग्रुप बनाया, मान लो हम अभी अभी आजाद हुए, हम सारे लोग जितने भी आप लोग 30 लोग बैठे हुए हो, 40 लोग बैठे हो सामने, और जो ऑनलाइन है, हेलो अर्चना, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? हेलो, एम आई ऑडिबल टू दोज हु आर वॉचिंग ऑनलाइन? हर्ष, अनामिका, प्रदीप, प्लीज रिप्लाई। प्रदीप आपको आवाज आ रही है?
ओके, इज इट क्लियर? अर्चना आप देखिए एक बार, अपना नेट कनेक्शन एक बार देख लीजिए, जिन बच्चों को क्लियरली आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन में, है ना? ये अभी दो सॉरी, मैंने आपको क्या समझाया, व्हाट इज कॉन्स्टेंट असेंबली? कॉन्स्टेंट असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर गिवन द टास्क टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रुप था लोगों का, ठीक है, उसमें से कुछ नौ लड़के आए थे इलेक्टेड, कुछ नॉमिनेटेड थे, इन सबका ग्रुप बना दिया गया, ये हो गई आपकी कॉन्स्टेंट असेंबली। अब कॉन्स्टेंट असेंबली को काम डिवाइड करना था अपने बीच में, आपस में। अब एक ग्रुप में हम जब काम करते हैं एज अ टीम, मैंने जैसे बताया ना, आप लोग जो बैठे हो 40 लोग सामने हो, ऑनलाइन में भी इतने सारे हो, हमने अपने आप को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हमने ग्रुप में डिवाइड किया काम को। कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो ग्रुप बैठा है इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये 10 लोग फ्लैग कमिटी में रहेंगे और फ्लैग के बारे में डिसाइड करेंगे। ये 10 लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए डिसीजन लेंगे कि कैसा होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने क्या बनाया, कमिटीज। तो वन ऑफ द कमिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट असेंबली, ठीक, जो कि एक एडहॉक कमिटी थी, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। देखो क्या लिखा है, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये ड्यूटी, ये काम किसको दिया गया था कि आपको नेशनल फ्लैग फाइनलाइज करना है, एक कमिटी को दिया गया था जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अगर जिसने पेपर देखा हो, वो क्या था कि जो प्रिंस स्टेट से रिलेटेड एक कमिटी थी उसके हेड कौन थे, ठीक है, मैं एक मिनट देख के बताता हूँ आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन। हु वॉज गिवन द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन नेशनल प्रोविजन गवर्नमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। तो वो सब क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो आपको क्या याद रखना है, कॉन्स्टेंट असेंबली के बारे में ज्यादा अभी कंफ्यूज मत हो, वो आएगा बेटा, चैप्टर आएगा तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, चार पांच क्लास में सिर्फ कॉन्स्टेंट असेंबली ही पढ़ेंगे हम, परेशान मत हो। हमने डेट देख ली, पहले देखा कि डिजाइन किया इसको पिंगाली वेंकैया ने, डेट है July 22nd 1947 को, हमने इसको एडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग की जो कमिटी थी उसके हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और जो इसका यूसेज है फ्लैग का इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो जो हम इसको यूज करते हैं वो किससे गवर्न कर रहे हैं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ठीक। तो ये आपसे पूछ सकता है बेटा एडहॉक। शुभम देखो एडहॉक का मतलब क्या होता है, तो आपने सुना होगा एडहॉक एंड परमानेंट। अगर मान लीजिए हमारा जो अभी ग्रुप है, हम सब बैठे हुए हैं तो इस हॉल में है, अगर हमने ये डिसाइड किया कि हमें कोई पर्टिकुलर काम करना, तो कोई ऐसा काम जो सिर्फ अभी टेम्पररी पीरियड के लिए चाहिए। अब जैसे कि फ्लैग हमें डिसाइड करना है, हमें अपने कंट्री का फ्लैग डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमने कोई कमिटी बनाई है। तो बेटा उस कमिटी का काम कब तक है, जब तक फ्लैग डिसाइड नहीं हो रहा है। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू फॉलो द ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया, उसके बाद उस कमिटी का काम कुछ बचेगा? ऑनलाइन रिप्लाई करो बेटा शुभम, उसका काम बचेगा कुछ उस कमिटी का, बताइए। तो दूसरे तरीके से सोचो, बचेगा कुछ काम? नहीं बचेगा ना, तो बस, तो उसका काम नहीं बचा, तो हाँ वो एडहॉक कमिटी है, वो केवल टेम्पररी टाइम के लिए आती है। कुछ कमिटीज होती हैं जो परमानेंट कमिटी होती हैं, ठीक है, जैसे हमें कोई काम हमेशा ही करता रहना है, बजट हमेशा ही बनाते रहना है, ठीक है, तो वो परमानेंट कमिटी होती है। आर्टिकल्स में कंफ्यूजन हो जाता बेटा, वही है ना, मैंने आपको अभी ये दिखाया था चार्ट बना के, कि मैंने समझाया था ना, देखो आप लोग अभी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो हड़बड़ाना नहीं है, पहले नॉलेज गेन करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसी छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है, इतना बल्क नहीं कि इतना बड़ा कर लिया उसको फिर रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो भी कोई मतलब नहीं है। और आप ये सोचते हो कि आप बुक्स जो दी हुई है मार्केट में 700-800 पेज की, उसको पढ़ लोगे, तो हर सब्जेक्ट की 600 पेज की बुक पढ़ोगे, 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आप लोगों को, तो वो कहां से आप 6,000-7,000-8,000-9,000 पेज पढ़ोगे। तो ये जो आर्टिकल्स अगर आपको याद करने हैं, तो आपको नॉलेज कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे अलग अलग, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। तो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हर्ष परेशान नहीं होना उसके लिए बेटा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यहाँ दिया हुआ है एक जगह, तो इसको यही याद कर लो, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया, ये क्वेश्चन आ गया, तो आंसर क्या होगा, 2002, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आपको कोई बैठा के पढ़ाए पूरा, राइट। तो जहां पे भी हमें पता होता है कि कहां पे क्या है चीज की इंपॉर्टेंस, हम आपको वहां तुरंत बता देंगे, आप उसको लिखते जाइए, क्लियर है।
यूसेज ऑफ फ्लैग इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद आगे एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये पढ़ो क्या लिखा बेटा, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, सबसे छोटा स्टैंडर्ड साइज का जो फ्लैग हो सकता है इंडिया का वो कितना होगा, ये ध्यान से देखो, 150 mm × 100, तो कितना होगा 150 × 100 mm, ये याद रखना है आपको, 150 × 100 mm के साइज का हमारा स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, फ्लैग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर आर्टिकल क्या लिखा है 19(1), सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, जो हम झंडा लहराते हैं, राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग फंडामेंटल राइट। देखो आर्टिकल 19(1) में लिखा है, हाँ नोट करना है हर्ष, अभी नोट करवाऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी मैं डिक्टेशन कराऊंगा इसका, ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझ लो, ठीक। तो आर्टिकल 19 जो है वो है राइट टू फ्रीडम, आपको फ्रीडम का राइट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो कहां लिखा है आर्टिकल 19 में, अभी मैंने समझाया था ना, पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अभी मैंने समझाया था आपको, पार्ट्स हैं 1, 2, 3 ऐसे करके 25 पार्ट्स और इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 5 to 11, 12 to 35। तो पार्ट 3 में क्या दिया है बेटा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, और किस आर्टिकल के बारे में बोल रहा है वहां पे, आर्टिकल 19, तो इसके बीच में आएगा आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 जो आपका है सर, आर्टिकल 19 सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि नेशनल फ्लैग लहराना आपका फंडामेंटल राइट है, क्लियर है यहां तक। अब चलो अभी इसको हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आज टाइम बचा तो इसको कल करेंगे, आप कल रिवाइज करके आइएगा। देखिए हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग लिखिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फंडामेंटल एंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ, एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, लिख लिया यहां तक, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड आगे लिखिए एंड ऑल द अदर लॉज, एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, एंड ऑल द अदर लॉज, एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, राइट। तो क्या लिखा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, अर्चना क्लियर है आपको, लिख लिया, क्या पढ़ा था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, ये डेफिनेशन याद करके आना है आपको कल, ठीक है, एंड ऑल द अदर लॉज शैल कॉन्फर टू इट, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत सबसे सुप्रीम लॉ है हमारे कंट्री का, और जो भी दूसरे प्रोविजंस या क्लॉज या रूल्स या रेगुलेशन ऑर्डर्स कुछ भी आएंगे, दे शैल कॉन्फर टू इट, तब इसकी कन्फर्मिटी में ही आएंगे, अगर कोई भी ऐसा नियम कानून गवर्नमेंट प्रोविजंस को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो
खारिज कर दिया जाएगा। फाउंडेशन बैच अवेलेबल 2 ईयर का, बेटा 2 ईयर का बैच भी अवेलेबल है प्रिया, ठीक है। अगर आप कॉलेज गोइंग है तो 2 ईयर में आइए, अगर आप कॉलेज कर चुके हैं तो 1 ईयर में रहिए। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आप सिंपल सा ये लिख लीजिए बस, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, यहां लिखा देखिए बोर्ड पे, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पार्ट्स शेड्यूल्स एंड अपेंडिसेस। ये मैंने समझा दिया आपको क्या क्या होते हैं ये, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पार्ट्स शेड्यूल एंड अपेंडिसेस 1, 2, 3। दिख रहे हैं सारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी? करण आप लिख रहे हैं, करण, प्रदीप, हर्ष, अनामिका, साक्षी, गुड। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, 2 पार्ट्स, 3 शेड्यूल, 4 अपेंडिसेस। अब ये बना लो आप, ये टेबल बनाओ, तो यहां पे लिखी हुई आर्टिकल्स पार्ट्स और शेड्यूल ओरिजिनली कितने थे और अभी कितने हैं, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। बनाइए इसको, आर्टिकल्स ओरिजिनली कितने थे 395, अभी कितने हैं 470 प्लस, आर्टिकल्स ओरिजिनली 395 अभी 470। पार्ट्स ओरिजिनली 22 अभी 25। आप लिख क्यों नहीं रहे हो, अच्छे से लिखो, पेन ज्यादा कलर के यूज करने से मतलब नहीं है, जब तक लिख नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं, और स्पीड अभी से ही थोड़ी आप बढ़ा के रखो ना, आपको उन भैया लोगों से भी और दीदी लोगों से भी कंपीट करना है जो ऑलरेडी 2-2, 3-3 बार मेंस लिख चुके हैं, जब तक आप अपनी स्पीड नहीं रखोगे अच्छी तो उनको कैसे हराओगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने बच्चे यहां बैठे हैं सारे के सारे पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लें, बट एग्जाम क्लियर कर लोगे हर कोई तो डीसी बन नहीं सकता, क्योंकि डीसी की पोस्ट कम होती है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है, तो शुरू से ही तेज लिखना चालू करो। आर्टिकल्स 395 ओरिजिनली अभी 470, पार्ट्स 22 ओरिजिनली अभी 25, शेड्यूल्स ओरिजिनली कितने थे 8 अभी कितने हैं 12, ठीक है। ये चार्ट बन गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, बता दीजिए मुझे प्रिया, प्रदीप, अर्चना जी, हो गया बेटा आपका, चले संजीता, गुड। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, ये आपने लिख लिया, अब आगे आ जाओ। आर्टिकल्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमने ये सेंटेंस को टेबल फॉर्म में लिख लिया है, करंटली देयर आर अराउंड 45 आर्टिकल्स बट ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स। अब आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या समझाया था, पार्ट्स और आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि हो गया, तो बची हुई चीज को हमने क्या कर दिया, टेबल के फॉर्म में डाल दिया। अभी हम वही कर रहे हैं, मैं चाहूं तो आपको ये भी लिखवाऊं, ये सब भी लिखवाऊं, ये भी लिखवाऊं, बट मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपके नोट्स की बल्कनेस को कम करना है, टेबल के फॉर्म में बना दिया। तो ऐसे ही टेबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बने हुए हैं, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, क्लियर हो गया है, ठीक है। तो शेड्यूल क्या है भाई, हम बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते थे, बढ़ रहे थे, बल्कि हो रहा था, तो हमने उनको टेबल के फॉर्म में बना दिया, उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक। अब सीधे ये सब छोड़ दो, अब सीधे आप आ जाओ नेशनल सिंबल्स, हेडिंग डालो एक मेजर हेडिंग, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। बेटा आप क्लास के लिए लेट हो, बाहर बाहर वेट करो, अभी नेक्स्ट क्लास में आना आप, 5 मिनट में नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, तब आइएगा आप, बैठिए बाहर बैठिए, वेट करिए अंदर नहीं, लेट आने वाले बच्चों कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो नेशनल सिंबल में नेशनल फ्लैग पहले डालो आप, और उसके अंदर लिखो नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल फ्लैग, द हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर, द
हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर, ट्राइकलर है। तो अगर स्टेटमेंट आई ट्राइकलर तो ये सही है। अब ये आप बना लो डायग्राम, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बनाओ और इसके अंदर अंदर लिख लो कौन कौन से कलर का है। तो ये सरिया कलर है, क्या है यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, इसको लिख लीजिए ऐसा डार्क। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट ये ऐसा बना लिया, फ्लैग बड़ा सा बनाइएगा थोड़ा, और केसरिया व्हाइट और डार्क ग्रीन। अब केसरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, करेज। ये केसरिया कलर जो है वो करेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां लिखिए साइड में ही करेज। व्हाइट किस चीज को करता है, पीस शांति, और ग्रीन किसको करता है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये यहीं पे लिख लीजिए साइड में, ये भी बना रहे हैं तो यहां पे लिखिए 2x और 3x। केसरिया कलर किसको डिनोट करता है, गुड वेरी गुड, करेज को। व्हाइट पीस को करता है और डार्क ग्रीन प्रॉस्पेरिटी को करता है, गुड लिख लिया है। अब सीधे ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये लिखिए द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। क्या आपने, गुड गुड, ऐसी लिख लिख लिया है। अब ये भी चीज लिख लो, The navy blue wheel, ये लिखो the navy blue wheel, the navy blue wheel represents the chakra, the navy blue wheel represents the chakra। अभी इसको पढ़ेंगे बेटा, ये जो चक्र जो है ये धर्म चक्र कहलाता है, ठीक है। ये अभी आएगा जब हम नेशनल एम्बलम पढ़ेंगे ना, तो अभी एम्बलम मैंने आपको दिखाया था, नेशनल एम्बलम ये है, ठीक ये है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे जब यहाँ पे, तब हम आपको डिटेल में बताएंगे सारा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये धर्म चक्र है, व्हील ऑफ लॉ, व्हील ऑफ लॉ बोल सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा आपसे, कल आएगा ये। यहां तक लिख लिया आपने, वाइट बैंड इन अ नेवी ब्लू व्हील विच रिप्रेजेंट द चक्रा। नेक्स्ट लिखिए इट चक्रा हैज 24 स्पोक्स, अंडरलाइन करिए 24 स्पोक्स, चक्रा हैज 24 स्पोक्स। ठीक है, अब जो आपने चक्रा के बारे में लिखा है इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, वो क्या लिखेंगे आप, This chakra has been taken from, ऐसा लिखो, this chakra has been taken from, ये लिखिए फिर, abacus of Sarnath Lion Capital, ये लिखिए, abacus of Sarnath Lion Capital of Ashoka, clear है बेटा यहां तक। This chakra has been taken from the abacus of the Sarnath Lion Capital of Ashoka. Next point likhiye. The national flag was designed by Pingali Venkaiya. Ye important hai. The national flag has been designed by Pingali Venkaiya. Spelling dhyan se likhna. Flag has been designed by Pingali. P-I-N A-L-I, Pingali Venkaiya. Spelling देखो बेटा बोर्ड में लिखी ना यहाँ पे, P-I-N A-L-I N-K-A-Y-Y-A। अब मेंस के एग्जाम में सिर्फ यही लिखा हुआ आ जाएगा 3 marker में, Who was Pingali Venkaiya, तो आप लिखोगे कि he was the person who designed the
नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकय, ये स्टेटमेंट लिख लिया आपने। उसके बाद लिखो द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, क्या डेट है बेटा? 22 जुलाई 1947 द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। Flag was adopted on 22nd July 1947. Next line, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हैं ना, स्लो तो नहीं हो रहा है? मतलब आप लिख पा रहे हैं? बता दीजिए मुझे जल्दी से चैट बॉक्स पे। ओके, अब आगे लिखो आप। अच्छा, यहाँ पे एक बार ध्यान से, यहाँ क्या लिखा? The national flag was adopted on 22nd July 1947 by Constituent Assembly। ये भी लिखिए, by Constituent Assembly, by Constituent Assembly। By Constituent Assembly। अब आगे आ जाओ, अब लिखो The ad hoc committee on national flag, the ad hoc committee on national flag, ad hoc committee on national flag was headed by ad hoc committee on national flag was headed by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाय डॉक्टर राजेंद्र, नहीं लिखना है, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, द यूजेज ऑफ द फ्लैग इज गवर्न्ड बाय, यूजेज ऑफ द फ्लैग गवर्न्ड बाय, यूजेज ऑफ द फ्लैग इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया? द यूजेज ऑफ नेशनल फ्लैग इज गवर्न्ड बाय फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। नहीं याद रखना, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया। क्लियर है? अब हमने क्या देखा था कि स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज क्या होगा नेशनल फ्लैग का? तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द smallest standard size of national flag? तो लिख लीजिए एक स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग इज, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये लिखिए, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ द इंडियन फ्लैग एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इज, ना बेटा देखो 150x100 mm, याद रखना, वहां एग्जाम में देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए 150, हो सकता है cm लिख दे, सेंटीमीटर लिख दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। 150 mm into 100 mm, लिख लीजिए इसको। क्लियर है? 150 mm into 100 mm। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आप, अंडर आर्टिकल 91, अंडर आर्टिकल 91, आर्टिकल 19(1), सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड आर्टिकल 91 कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग,
राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग, स्पेलिंग देख लेना, राइट टू हॉइस्ट, एच ओ आई एस टी, राइट टू हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एज फंडामेंटल राइट, एज फंडामेंटल राइट। एम में क्या क्वेश्चन आ, राइट टू हॉइस्ट नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट, करेक्ट और इनकरेक्ट? राइट टू हॉइस्ट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजंस, ट्रू और फॉल्स बताइए। करेक्ट, गुड। तो यही छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, मगर उसके पहले आप ये पढ़ के आएंगे सारा, ये याद करके आएंगे। अगर आप याद करके नहीं आओगे तो क्लास में मत आना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। एटलीस्ट 80% आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए जो कि आज क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है? अभी आपकी एमपी की बेसिक क्लास शुरू होगी, ठीक है? निमिशर आ रहे हैं, वो आपकी क्लास लेंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, तो वो ऑफिस में कॉल करके फैकल्टी से बात कर सकता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली।